आज अखंड भारत के निर्माता प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्र मौर्य जी की जयंती के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य जहां अखंड भारत के निर्माता और संस्थापक रहे हैं, वहीं पर सशक्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य इस देश में 135 वर्षों तक लगातार शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के ऐसे पहले शासक रहे हैं जिन्होंने यूरोपीय देशों में भी अपनी हनक जमाई, यहां तक कि तत्कालीन विश्व नेता सिकंदर की पूरी पूरी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। उनके प्रधान सेनापति सेलूकस सहित सभी सेनानियों को अपनी हिरासत में लिया और यहां तक कि विश्व नेता सिकंदर के नेतृत्व में इस देश के लूटे गए सारी संपत्ति, हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी आदि आदि जो भी सामान था उसको इस देश में उन्होंने पुनः वापस कराने का काम किया। यहां तक कि श्लोकस ने अपनी पुत्री को भी उनको दान में दिया उनके पुत्र की शादी के लिए, और उन्होंने अपने बेटे की शादी सिकंदर के मुख्य सेनापति सेलूकस की बेटी से कराने का काम किया। राजनीतिक, व्यापारिक संबंध भी विश्व के तमाम देशों में स्थापित करने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। यद्यपि उनके उस अखंड भारत में उनके ही पौत्र सम्राट अशोक ने उसका और विस्तार कर और सशक्त भारत बनाकर कहीं न कहीं उसमें और मजबूती प्रदान की, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित अखंड भारत में नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के साथ साथ वर्तमान का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस भारत भूमि का हिस्सा रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य, उनकी वीरता, उनके तलवार की हनक और धनक विश्व में तो गूंजती थी, लेकिन हमारे देश में उनके इस अति गौरवशाली उपलब्धि पर जो महत्व दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया। सही मायने में इस आज भारत की पहचान जो भी शेष रूप में है वो चंद्रगुप्त मौर्य के उसी
सशक्त भारत के निर्माण के बदौलत है। आज सिंधुदुर्ग जैसे महान शासक के जन्मदिन के अवसर पर, यद्यपि केंद्र और प्रदेश सरकार को चंद्रगुप्त मौर्य हर्षोल्लास के मनाने के लिए राजपत्रित या राजकीय अवकाश घोषित करने का काम करना चाहिए था, लेकिन यह सरकार आज तक उनके महत्व को नजरअंदाज कर सदैव उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती रही। जिनका कोई योगदान नहीं, उनकी शौर्य गाथा में सरकार बढ़ चढ़ करके न केवल गुणगान करती है बल्कि कार्यक्रम भी करती है। लेकिन जिसकी हनक पूरे विश्व में रही हो, जिसने विश्वविद्यालय सिकंदर की पूरी सेना को बंधक बना लिया हो, घुटने पर टेकवा लिया हो, आत्मसमर्पण करवा लिया हो, उस महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य की अपेक्षा कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण है। और ऐसे महापुरुषों के सम्मान के प्रति भेदभाव करना, हम कहीं न कहीं वो राष्ट्र के लिए भी और इस देश के नागरिकों के लिए भी अपमानजनक रवैया होता है, जो वाकई में निंदनीय है। आज के प्रवेश में चंद्रगुप्त मौर्य पुरस्कृतित्व व्यक्तित्व, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां, देश के विस्तार और साथ ही साथ उनकी राजनीतिक निपुणता, हम तो इतिहास में केवल पढ़ते हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर ऐसे महापुरुषों के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की जानकारियां सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से जनसामान्य में जाना चाहिए, इस दिशा में सरकार वरिष्ठ माध्यम भी प्रयास नहीं कर रही। यद्यपि इस सरकार में इस प्रकार का भेदभाव कोई नई बात नहीं है, भेदभाव होना यहां के एक स्वाभाविक हिस्सा बन गया है, क्योंकि यहां की सामाजिक व्यवस्था वर्ण जाति और धर्म पर आधारित है। जब वर्ण होती है, जात होती है, तो जन सामान्य में जिस प्रकार से भेदभाव होता है, वही भेदभाव कहीं न कहीं हमारे महापुरुषों के साथ भी किया जाता है, जो वाकई में अत्यंत निंदनीय भी है, शोचनीय भी है और साथ ही साथ विचारणीय भी है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से भी मांग है कि ऐसे महापुरुषों की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए, जिससे कि जन सामान्य लोग अपने अपने तौर तरीके से महापुरुषों की जयंती को बड़े धूमधाम से मना सकें, हर्षोल्लास के साथ खुशियां मना सकें और साथ ही साथ अति गौरवशाली इतिहास को जानने का अवसर भी प्राप्त कर सकें। अंत में मैं पुनः ऐसे महान शासक जिन्होंने हमारा पूरे विश्व में सम्मान बढ़ाया, सशक्त और अखंड भारत बनाया, अपनी तलवार से विश्व विजेता सिकंदर को न केवल परास्त किया बल्कि बंधक बनाया, ऐसे महान शासक को कोटि कोटि नमन करता हूं।
वंदन करता हूं, पुनः उनके जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इसी के साथ ही साथ आज मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि भी है। हम बीपी मंडल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको कोशिश नमन वंदन करता हूं और साथ ही साथ उन्होंने जो सामाजिक चिंतन के साथ इस देश के दबे कुचले पीड़ित शोषित मजलूम समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने के लिए, सत्ता शासन में हिस्सेदार बना करके हुक्मरान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल किया, काम किया। मंडल आयोग की सिफारिशों के माध्यम से इस देश के पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दिए गए व्यवस्था के अनुसार विकास की मुख्य धारा में खड़ा होने का अवसर लाने के लिए सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की। उसके लिए हमारा पूरा का पूरा इस देश का पिछड़ा समाज आजीवन ऋणी रहेगा। यद्यपि उनकी सरकार उनकी सिफारिश के मनुसार के अनुरूप आबादी के सापेक्ष 52% आरक्षण लागू होना चाहिए था, लेकिन चूंकि संवैधानिक बाध्यता के चलते इस देश में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं किया जा सकता था, इसलिए 50% के सीमा के अंतर्गत रह करके सरकार ने 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की। ये देन जहां एक ओर बीपी मंडल द्वारा तैयार की गई सिफारिशों के आधार पर मंडल आयोग की सिफारिशों के बिना पर लागू किया गया, वहीं पर हम जब भी बीपी मंडल की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पूर्व प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह जी, जिन्होंने बड़ी सदाशयता दिखाते हुए वर्षों से पड़ी बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके एक ऐतिहासिक पहल किया। पिछड़े वर्गों के लिए यद्यपि इस बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उनको प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा, सरकार से बाहर होना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इस देश के पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय के तहत मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, उनको भी हम इस अवसर पर न केवल स्मरण करते हैं बल्कि उन्हें भी ऊर्जा नमन करते हैं, वंदन करते हैं और साथ ही साथ उन्हीं की हिम्मत की ही बदौलत आज 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों का यदि लागू हो रहा है, तो जहां एक ओर से बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को जाता है, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह को भी जाता है। हम अपने दोनों महापुरुषों को पुनः ऊर्जा नमन वंदन करता हूं और साथ ही साथ उनके इस ऐतिहासिक पहल के लिए पूरे के पूरे पिछड़े वर्ग देश के पिछड़े वर्गों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका यह साहसिक कदम आज बहुत से पिछड़े वर्गों को सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान कर रहा है, जिसके नाते आत्मसम्मान के साथ वो जीने का अवसर पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र मौर्य जी की जयंती के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं।
हेलो।